Wow, I'm highly impressed. ठीक है, और कोई शेड है इसके आसपास का? Which color is good? मेरे तमाम वो फॉलोअर्स जिनको पता है कि जो मुझसे पूछते हैं कि अच्छा टेलर कहाँ से मिलेगा, टेलर इतनी ज्यादा स्टिचिंग क्यों लेता है, कहाँ से बेहतर टेलर लाए जो कि पैसे कम ले, राइट? सो आई हैव वन सॉल्यूशन फॉर यू एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आज मैं आपको बताने लगी हूँ, 1000 रुपए में आप एक पूरा सूट, 2-piece suit स्टिच कैसे ले सकते हैं. सो लेट्स गो. वाओ, दैट्स अ वेरी नाइस ऑफर. लाइक अगर मुझे ये स्टिचिंग ना पसंद आई, एक्चुअली मैं स्टिचिंग आपको भी दिखाऊंगी और आप भी बताइएगा अगर हमें ना पसंद आई भी. वेलकम बैक टू हमनाज ग्राम्स, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग. और आज के इस व्लॉग में मैं आपको 14 अगस्त के मौके पर एक बहुत अच्छी ऑफर देने वाली हूँ. माइंड मी, मुझे लगता है कि खवातीन के लिए इससे बेहतर आज़ादी क्या हो सकती है कि उन्हें स्टिचिंग फ्री मिल जाए. येस, आई एम नॉट किडिंग. अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ ऐसे बाजार में जहाँ पे स्टिचिंग है बिल्कुल मुफ्त. सो राइट नाउ वी आर ऑन मरी रोड रावलपिंडी में. ये आगे कनेक्ट होगी क्लॉक टॉवर से बिल्कुल आगे 6th रोड पे, जहाँ पे राबी सेंटर है. राबी सेंटर के बिल्कुल साथ हमारे पास एक ऐसा बाजार है जहाँ पे खवातीन के इंटरेस्ट की सारी चीजें मौजूद हैं, चाहे वो लूज फैब्रिक हो, चाहे वो स्टिच्ड ऑप्शंस हो, बैग्स, रेप्लिकास, एवरीथिंग. लेकिन आज एक चीज बहुत डिफरेंट है इस व्लॉग में, क्योंकि आज का व्लॉग सिर्फ वुमेन शॉपिंग से रेलेवेंट नहीं है, आज हम मर्दों की शॉपिंग भी करने वाले हैं. एग्जैक्टली, वहाँ पे जेंट्स वैरायटी भी है और हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे. अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इनफैक्ट अपने साथ अंदर लेके जाऊंगी. सो होल्ड ऑन, थोड़ा सा हौसला रखें, अभी हम जा रहे हैं अंदर. जी हाँ, ये है अपना बाजार जहाँ पे एवरीथिंग इज दैट मनी बैक गारंटी. नॉट ओनली दैट, इट्स अ लाइफ टाइम ऑफर. यू डोंट बिलीव मी, जस्ट कम विद मी. अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत सारे रेप्लिकास नज़र आ रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे और भी वैरायटी है, ओरिजिनल्स हैं या सिर्फ रेप्लिकास हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ओके, तो कौन कौन से ब्रांड्स हैं? मेरे पास तवक्कल ब्रांड्स हैं, रंगोली के हैं, रिमशा के हैं, अकबर असलम के हैं, ये ब्रांड्स हैं, आसिम जफा भी पड़ा हुआ हमारे पास. अच्छा, तो मैंने देखा है कि ये जो तवक्कल और ये ब्रांड्स हैं, ये राबी सेंटर और मार्केट्स में भी मिल रहे हैं, तो आपके पास वही रेट है या उससे कम रेट्स हैं? उससे कम रेट है, और रेट की गारंटी भी, अगर आपको इस रेट पे वायर मिले भी तो हमें आप वापस भी कर सकते हैं. मनी बैक गारंटी आपकी? ओके, दैट्स नाइस, ठीक है. इसकी, इसमें हम आपको 50% डिस्काउंट, मतलब में जो रेट है उस पर 50% डिस्काउंट में देंगे. हमारे से कैजुअल सूट लेंगे उसकी सिलाई बिल्कुल फ्री है हमारे तरफ से. जी बिल्कुल फ्री है. और जेंट्स की हम आपसे 600 सिलाई लेंगे. ये काफी हेवी है, इट्स अ होल मैक्सी और इसकी प्राइस है 22,300. नहीं आप थैंक यू. नहीं नहीं थैंक यू. विच कलर इज गुड? आई थिंक आई लाइक व्हाइट, लेकिन अभी हम और भी यहाँ पे कलेक्शन देखते हैं. लास्ट के नहीं नहीं थैंक यू. कॉटन में दे आर फॉर 5,950. ये इसका दुपट्टा है और साथ आई थिंक सिल्क का ट्राउजर है. सो
ये देखो, दिस वाइट इज वेरी एलिगेंट, कॉटन लेकिन इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, एंड दिस इज द फॉर 7000 वाली। ये जो दुकान है इसी अपना बाजार में एक शॉप है जहाँ पे कैजुअल ड्रेसेस मिल रहे हैं इन देयर लाइक, यहाँ से जो आप कैजुअल ड्रेस लेंगे दैट विल कॉस्ट यू फ्री स्टिचिंग। दैट्स अ वेरी नाइस ऑफर। आई रियली वांट टू आस्क देम कौन से ड्रेसेस हैं, क्या वैरायटी है, तो आप थोड़ा सिखाई करेंगे प्लीज। हमारे पास लिनन में लेना पड़ा हुआ है, उसके अलावा लॉन कॉटन भी होते हैं, लॉन कॉटन खत्म हो गया है, अभी हमने लिनन में लेना लगाई हुई है, इसके भी स्टिचिंग फ्री देते हैं। अच्छा तो मुझे दिखाएंगे कहाँ है वैरायटी लिनन मरीना कहाँ पर सारी थी। अच्छा दिस इज द फैब्रिक, ये फुल सूट भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा शर्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। अच्छा इसकी क्या प्राइस है? ये आपको वैसे आम दिनों में हम दे रहे हैं 1000 की शर्ट, 2000 पे सूट, अभी हम सेल में दे रहे हैं 1000 पे सूट, 1000 का पूरा सूट, पूरा सूट। ओके चलिए, एक सूट मैं आपसे भी लूंगी जिसकी मैं फ्री स्टिचिंग करवा के अपने फॉलोवर्स को दिखाना चाहती हूँ कि आपकी स्टिचिंग फ्री में कैसी है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे भी 1000 का सूट लूंगी तो मुझे तो पूरा सूट 1000 में ही पड़ेगा विद फ्री स्टिचिंग। वाओ, आई एम रियली इंप्रेस्ड। फ्री में सूट पड़ेगा आपको, वैसे आप किसी और टेलर के पास जाए 1500 रुपये कैजुअल की स्टिचिंग जा रही है आज के बाज़ार में। हम जो आम दिनों में भी अगर आप लेते हैं ना, बाहर से लेके आते हैं कपड़ा 600 रुपये सिलाई लेते हैं। चलिए आप मुझे जरा थोड़ा सा प्राइस दिखा दें, ये क्या है? आई लाइक दिस प्रिंट, आई थिंक ये तो मुझे लूलू से वाला प्रिंट लग रहा है। आई थिंक लूलू से एक लॉन्ग ड्रेस था उनका जो कि इसी टाइप का प्रिंट था, सो आई थिंक आई शुड गो फॉर दिस और दिस, या फिर और आपके पास कौन सा प्रिंट? नहीं ऐसा नहीं चाहिए, थोड़े कलरफुल प्रिंट्स चाहिए जिस तरह की ये है ना, थोड़े मॉडर्न से ये वाला 1000 का और ये 900 का, बट योर वोट मुझे कौन सा लेना चाहिए? 100 रुपीज में आई वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज द प्रिंट, बट व्हाट डू यू थिंक? ओके कन्फ्यूजन एंड्स हियर एंड आई एम गोइंग फॉर दिस वन। सो हमें आप ये सूट दे दें जिसका हम स्टिचिंग यहीं से करवाने वाले हैं। अच्छा इसका कलर तो नहीं निकलेगा, हम ट्रिंग करेंगे तो श्रृंग आपके टेलर और जो पाइपिंग वगैरह लगाएंगे वो पॉसिबली लिमिटेड होगी या बहुत वो ज्यादा नहीं है 200-300 चलेंगे, हो गया 1000 रुपया। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सिलाई करवाते हैं तो स्टिचिंग नहीं पसंद आती आपकी बढ़ती के मुताबिक नहीं है, आपको सूट के जो पेमेंट है वो आपको वापस कर देंगे। सूट की पेमेंट? मतलब अगर मुझे ये स्टिचिंग ना पसंद है सूट मिल जाएगा आपको, एक और फ्री सूट मिल जाएगा, फ्री सूट ले जाएं वो जहाँ से मर्जी सिलाई करें। वाओ दैट्स अ वेरी नाइस ऑफर, लाइक अगर मुझे ये स्टिचिंग ना पसंद आई, एक्चुअली मैं स्टिचिंग आपको भी दिखाऊंगी और आप भी बताइएगा अगर हमें ना पसंद आई, वी स्टिल हैव द ऑफर, हम यहीं से आके एक और सूट लेके फ्री स्टिचिंग उसकी भी करवा सकते हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ दिस वन। राइट चलें देखते हैं टेलर कहाँ है और हमने क्या ऑफर दिया। चलिए अब देखते हैं हमें टेलर जो है वो सैंपल क्या दिखाते हैं या हमारे नाम स्लाइड।
अच्छा ये हमने सूट यहीं से लिया है अंदर से, ठीक है, और इसकी जो हमने स्टिचिंग कराई है मैं आपको सैम्पल दे देती हूँ, तो ये आप कितने दिन में सी देते हैं? दो दिन भी लग सकते हैं, जो ही आपको जितने टाइम में चाहिए तो हम लोग बना कर दे देते हैं। अच्छा अगर मैं कहूँ कि मुझे आज ही चाहिए तो बन जाएगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा, पूरी कोशिश करते हैं। मुझे आज तक कोई ऐसा टेलर नहीं मिला जो सेम डे स्टिच करते, सो दैट्स एन नाइस थिंग। मैं आपके लिए सैम्पल भी लेकर आई हूँ साथ, ठीक है, मैं आपको देखती हूँ ये सैम्पल है। सेम टू सेम बन जाएगा, ठीक है, और ये फ्री स्टिचिंग है राइट। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एजिंग वगैरह या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ऑरेंज एजिंग मुझे अगर लगानी हो एजिंग पे ही मतलब कि आप लोग जिस तरह की टाइप करेंगे वो हम लोग ला लेंगे। और अभी मेरे ख्याल से तीन साढ़े तीन बज रहे हैं, तो आप कितने बजे तक मुझे ये सूट दे सकते हैं? आपको सात आठ बजे तक मिलेंगे। आज सात आठ बजे तक? वाओ, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, ट्रस्ट मी दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अगर मेरे अलावा बाकी लोग भी आके कहीं सेम चीज़ आप करते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे सेम जैसे डिजाइन देंगे वैसे ही स्टिच होगी। परफेक्ट, तो एजिंग जो है वो मैं मैच करूँ या आप कर लेंगे? खुद मैच करूँ, ठीक है, तो आप मुझे ज़रा एस्टिमेट दे दें आपको कितनी एजिंग चाहिए होगी। ऑरेंज कलर की मुझे एजिंग चाहिए गले में और बाजू में। गले में तो यही एजिंग का यही मतलब है कि गले में यही चीज लगेगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है क्योंकि यहाँ के कट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये गले में यही चीज लगेगी, ठीक है। और बाजू बाजू में यही होगा कि ये बाजू में लगेगी एजिंग, जैसे आप लोग बनाएंगे जैसा कि थोड़ी सी वायर हो या जैसा कि जिस तरह आप लोग बनाएंगे या फिर पैर लगाना है जैसा आपको एजिंग लगा दी जहाँ पे जिस तरह भी लग सकती है हो जाएगी, जिस तरह की गोल्डन ऑरेंज कलर है जैसे ब्लैक और जैसे भी आप लोग ड्राइव कर गए हम लोग आपको ये बना कर देंगे। अच्छा मुझे बता दें आपको कितनी एजिंग ला दी अंदर से? बाजू पे, बाजू पे और गले पे लगानी है। और अगर ट्राउजर में भी नीचे लगा दें आप, उसका ट्राउजर देखिए प्लेन है, ठीक है, अगर नीचे ट्राउजर के नीचे भी एजिंग लगा दें तो कितनी लिख रहा है? आपको जितना बेज आपको चाहिए हम लोग बना दें। मुझे बता दें आप मुझे ऐसे नहीं, दो गज आपको एजिंग चाहिए ऑरेंज कलर की, ठीक है, मैं अभी आपको एजिंग ला के ले रही हूँ और श्रिंक आप इसको कर लेंगे वो हो जाएगा। चलिए दैट्स परफेक्ट, मेरी तो यहाँ पे टेंशन खत्म हो गई है। अब मैं इसके साथ इस ऑरेंज कलर की मैं एजिंग लेकर आती हूँ, आप इधर ही रहेगा मैं आपको बुला। अच्छा मुझे ना इस कलर ऑरेंज कलर की एक एजिंग दे दें 2 मीटर, ठीक है, 2 गज चाहिए ये। किसके साथ तक आपको दिखाएं? ठीक है, और कोई शेड है इसके आसपास का या फिर यही? इसकी एजिंग चाहिए बस, ठीक है, ये 2 गज दे दें। ये वाला 2 गज, 2 गज किस तरह दे रहे? ये 20 रुपये पर गज के हिसाब से 40 रुपये, 40 रुपये, ठीक है। बस ठीक है, ये आप काट के टीचर को दे दीजिए, ठीक है, वो शाम को मुझे ये सूट वापस करेंगे। अच्छा ये मर्दों के सूट की स्टिचिंग आप लोग किस तरह दे रहे हैं? ये भी फ्री है या नहीं? 50% ऑफ है। 50% ऑफ है, ठीक है, आप चार्जिंग में 50% ऑफ है? स्टिचिंग को सेल के बाद आपको मिलेगा, मतलब सूट लेंगे फुल प्राइस पे। जी जी, स्टिचिंग की क्या प्राइस? अच्छा अगर आपसे ये जेंट्स का सूट सिलवाना हो तो स्टिचिंग क्या होगी? फ्री है ये स्टिचिंग? हमारी 600 रुपये है मटों की स्टिचिंग के चार्जेस। अच्छा और स्टिचिंग अच्छी है आपकी? सिलवा के देखूँ आपसे? ठीक है, उसके अलावा ये है कि इंशाल्लाह अगर कंफर्म आपकी डिमांड के मुताबिक सिलाई नहीं करते आप सूट वापस करके अपने पैसे ले सकते हैं। ऑलराइट,
ये कपड़ा कैसा है? अच्छा, खड़ा खड़ा कपड़ा। ये क्या स्टफ है? ये वॉशिंग में भी है, कॉटन वेस्ट में ज्यादा होता है। ठीक है, और इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 4,450, जो कि 50% आपने आपको मिलेगा 2,250। 2,225 का ये सूट है और मटेरियल भी अच्छा है। अच्छा, अगर इसके साथ वेस्ट कोट स्टिच कराएं तो उसकी भी स्टिचिंग के यही चार्जेस हैं? वेस्ट कोट की स्टिचिंग चार्जेस जो है वो हमारे 2,500 है। लेकिन अच्छी और मायारी चेन बना के देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और साथ में और ये क्या मटेरियल है? ये भी वॉशिंग वेयर है? स्विस है। ठीक है, है। 50% ऑफ आपका कब तक है? आज के दिन है सिर्फ, 13 अगस्त तक है। अच्छा, ओके, तो उसके बाद ये ऑफ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और ब्राउन में कलर है, ये ब्लू के साथ में। हाँ, ये मुझे लगता है ये वाला ब्राउन। यस, लेकिन ब्राउन, लेकिन मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो ब्राउन सामने पड़ा। लाइट नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए। अच्छा, आप सबकी तरफ से जब मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ आप जेंट्स को भी कवर करें, उनकी स्टाइलिंग भी कवर करें, सो आज मैंने अपने भाई को कन्विंस किया कि मेरे साथ चलो, और आई थॉट कि उसको स्टाइल करके आई रिव्यू द स्टिचिंग एंड एवरीथिंग। सो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम भी मैं उसको कन्विंस कर सकूँ। ही इज़ कैमरा शाय, सो आई एम नॉट शोइंग हिज फेस। और ये मटेरियल क्या है? कॉटन माय वाले। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है या सॉफ्ट होता है? सॉफ्ट होता है ये, बहुत है, इसमें माया लगाना पड़ेगा। माया ना लगाए, माया ना लगाए तो सॉफ्ट जाएगी। आइडियाज वाला मेरे ख्याल से कॉटन था, लेकिन ये लॉन है, लॉन कॉटन है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉटन स्टफ लग रहा है। दिस कलर नहीं, ये वाला कलर इज गुड। ये क्या ब्रांड है? जे डॉट है? ये जे डॉट का ही है, ओरिजिनल जे डॉट का सूट है। ओके, ये वाला डन कर। अच्छा, ये वाला फिर हमने फाइनल किया है। ठीक है, ये आप सूट हमें दे रहे हैं, कितनी प्राइस का? ये 250 का, राइट? ऑफ पे 50% ऑफ ऑफ करके। और ये जे डॉट का है? जे डॉट का है, ओरिजिनल जे डॉट का, राइट? ठीक है, आप ये सूट हमें काटते हैं, इसके लिए स्पेशल हम यही सूट बना रहे हैं। 3,300 रुपीज़ के ये लेदर मुझे लगता है ओरिजिनल नहीं है इसका, और ये 1,800 रुपीज़ में आई थिंक ये सिंथेटिक लेदर है, क्योंकि अदरवाइज ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड 3,400। काफ़ी कलर्स हैं इनके पास, काफ़ी वैरायटी है क्रीमियों की। सो लेकिन अभी आई थिंक हम सिर्फ इनसे स्टिचिंग चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि हम बाद में यहाँ से वेस्ट कोट और जूते भी देखेंगे। चलेंगे, देखा, थैंक यू जी। अब हम टेलर के पास चलते हैं और इस नाप को टेलर ही लेगा।
कैसों का पूछूंगा ना, कॉस्ट कितनी की है। चले अब हम दोबारा टेलर के पास जा रहे हैं और इसकी भी स्टिचिंग देखते हैं वो हमें क्या देगा। उप्स, यहाँ तो टेलर्स की लंच ब्रेक चल रही है। अच्छा, यहाँ पे साड़ियाँ भी बहुत रीजनेबल रेट्स पर हैं। अच्छा, यहाँ पे जरी नेट और फैंसी फैब्रिक्स भी हैं, लेकिन ये शॉप अभी क्लोज्ड है। और इवन अगर आप अनस्टिच साड़ी लेकर यहाँ से स्टिच कराते हैं तो स्टिचिंग भी बहुत अच्छे रेट पर है। और इसके साथ स्टिचिंग भी है। 1200। अच्छा, काउंटर से बिल करवा के अब हम दोबारा टेलर के पास जा रहे हैं ताकि वो हमारा नाप लेके ऑर्डर प्लेस कर लें। अच्छा, पेंट शर्ट पहने हो तो आप नाप नहीं लेते? नहीं, जब नाप लेते हैं मगर वही शलवार कमीज पहने हो तब नाप लेते हैं, राइट। चलिए ठीक है, हम इसका ना फिर आपको नाप ला देंगे, ठीक है, जॉइंट्स का, फिर आप सी दीजिएगा। तो ये आज मैं शाम को ये वाला जो सूट है ना ये लेने आ जाऊंगी वापस, ठीक है। तो फिर हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि कैसा सिला है। थैंक यू सो मच जी। तो यानी आपको अगला टाइम देना है, कब वापस करना है? ठीक है, ये 15 तारीख को आपसे लेके जाएगा। 15 तारीख को मैं स्लिप दूंगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जी। जस्ट गॉट बैक, मैंने कुछ बीच में खाना तो भूख लगी हुई थी सो मैं रास्ते में वहाँ रुक गई। अभी 2 घंटे बाद में जाऊँगी टेलर से ड्रेस रिसीव करने और फिर देखेंगे कैसा चला है, ठीक है। आई एम स्वेटिंग राइट नाउ, एज यू ऑल नो आई एम एलर्जिक टू एसी, तो मैं एसी में अगर बैठूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। खैर, दिस इज़ पाकिस्तान और मुझे गर्मी से कोई मसला नहीं होता, सो आई एम फाइन विद पाकिस्तान। सो आई थिंक मेरे लिए गर्मी बेरेबल है तो और भी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ही लेते हैं। वन थिंग मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे हैं जो अपना इंटेलेक्ट और अपना टैलेंट यूज़ करके कुछ प्रोड्यूस या प्रोडक्टिव करने के और कंस्ट्रक्टिव करने के बजाय दे जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग एवरी थिंग। आई नो सिस्टम, हर चीज़ हर किसी को पता है, बट आई हैव होप इन माई हार्ट that yes, Pakistan will grow and things will get better. और किसी नाउमीदी तो वैसे भी कुफर है। सो आप लोगों को पहले ही 14 अगस्त मुबारक। अच्छा, अभी तो मैं कलेक्ट करने आई थी। ये चांदनी चौक है जी, यहाँ पर ये मीठे का जूस मैं यहाँ से लूँगी। हाँ, ये मीठे का जूस यहाँ से मैं अक्सर लेती होती हूँ। तो इनसे पूछते हैं कि अच्छा अंकल, आप कितने अरसे से ये स्टॉल लगा रहे हैं? ये स्टॉल मैं लगा रहा हूँ 4 साल से। क्योंकि मैं खुद भी आपके पास आती रही हूँ। बिल्कुल, सर्दियों में आप माल्टी का जूस पीते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही गंदा, बहुत ही आधा जूस होता है। तो कैसा जा रहा है आपका काम? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक अपना रिजक दे देते हैं। 14 अगस्त के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमको पाकिस्तान में नवाजा है। हम पाकिस्तानी हैं, बस हम ये शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका नाम क्या था अंकल? नाम हबीबुल्ला, राइट।
वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, देखें बस अल्लाह का शुक्र है अभी बहुत अच्छा काम हो गया। बहुत अच्छा हो गया जी। जब ये नहीं बेचते हो तब क्या नाम है? तब हम बस घर में ही रहते हैं और अपना काम करते हैं, जो तकरीबन फूल वगैरह होते हैं वो बेचते हैं दुकान है। हाँ जी, दुकान की महंगाई कम हो जाए बस यही कहेंगे, बस और क्या कहना है। ओके, इट्स अबाउट टू बी 7:30 और मैं निकल आई थी ताकि ड्रेस पिक कर लिया जाए, राइट? सो आई एम ऑन द वे, अभी चल के देखते हैं जो टाइम उन्होंने हमें दिया है उस पर ड्रेस रेडी होगा या नहीं। तो ये क्लॉक टावर है, इससे आगे जाएंगे तो राबी सेंटर आएगा। राबी सेंटर के बिल्कुल साथ ही जो है अपना बाजार है। सो ये है जी राबी सेंटर। पिछले दिनों यहाँ पर आग लगी थी और काफ़ी सारे दुकानदारों का जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ उसमें। सो आई होप दे रिकवर सून। अच्छा हाँ, ये राबी, ये गल्फ सेंटर गुजर गया। गल्फ के आगे ये पुराना राबी सेंटर है और इससे आगे ये बिल्कुल साथ जो है ये अपना बाजार है। फिर सो 7:15 हो गए, अभी हमें अंदर जाने में भी टाइम लगेगा। गाड़ी पार्क करना यहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है तो मैंने काफ़ी मुश्किल से जगह ढूंढी है। सर्कल फैशन पे अगर आप कहते हैं डिस्प्ले अंदर ले आओ, खुल के चेक करवाओ तो आपको अंदर ले आओ। नहीं नहीं, मैंने देख लिया, मुझे अंदाजा हो गया। इसके बाजू है, ठीक है। ये बाजू के पर तो ये जो एग्जीक्यूटिव कॉपी है ये मास्टर कॉपी से भी बेहतर होती है। बेहतर है ये, सेम एज इट ओरिजिनल है। सेम एज ओरिजिनल, सेम एज इट ओरिजिनल, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, रेट में आधो आध फर्क है लेकिन चीज में फर्क नहीं है। आधो आध मतलब रेट, मतलब एक अगर वही वो 25,000 का है, 30,000 का है तो ये। कितना रहता है जी ट्राउजर? रहता है आधा घंटा और लगेगा। ठीक है, अच्छा नाप ये रहा और अभी ये भी बना रहे थे। अच्छा ये शर्ट कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? अच्छा आप फिर अभी आधा घंटा है इसमें और? ठीक है, चलें फिर आप ये कंप्लीट करें, मैं इतनी देर में फिर 7 बजे राबी सेंटर से होके आती हूँ। ठीक है, अच्छा कोई प्रेशर नहीं है, आपने इसमें गलत नहीं सीना कि मैं लेने आ गई हूँ, आप आराम से सीए, ठीक है, ताकि अच्छा से ले। हमनाज ग्राम जी, आप कितने अरसे से ये कर रहे हैं काम? एक सेकंड, मैं तकरीबन 15 साल से काम कर रहा हूँ। आपने माइक के ऊपर नहीं? नहीं नहीं, आप दूसरी साइड, इसको दूसरी तरफ। अच्छा 15 साल से आप कर रहे हैं? हाँ तकरीबन, हाँ जी 15 साल। तो ये अपना बाजार के साथ कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हुआ है। 11 में भी काम करता रहा हूँ, यहाँ पे। हाँ ये राबी मेरी दुकान थी, राबी जो है पिछले दिनों आता हुआ है। हाँ हाँ। वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। वो दुकान आपकी खत्म तो नहीं हो गई? नहीं, दुकान अब जो है ना वो जल गई थी ना, वो नहीं बस उसमें धुआं वगैरह आ गया, यही आग लगी थी, मगर उसमें धुआं वगैरह था ना, तो
उसमें हम लोग मुतासर हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे काम का मसला था, हम लोगों ने काम करना था, इन लोगों का काम करना था और हमारे कस्टमर से जो के हमारे लिए वही कर रहे थे, क्योंकि इनके पास जगह नहीं है ना। मगर अब हम लोगों ने डाल दिया, खराब हुए हैं लोगों ने, आप लोगों ने किया यही किया है कि हमारे से जो है ना, जिन लोगों ने कुछ लोगों ने हमें तो छोड़ दिया कि हमारे जो सबका नुकसान हुआ है वो तो सब कुछ लोगों ने हमसे पेमेंट ली है। तो क्योंकि हम गरीब लोग हैं, यहाँ इतना कुछ अफोर्ड तो नहीं कर सकते, कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि जो लोगों का नुकसान हुआ है उनको कवर कर सके। आप ये सीए तो हम देखते हैं कि इंशाल्लाह आपको और लोग भी आपसे सिलवाने आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह मेहरबानी, लाइक थैंक यू। Meanwhile, Taylor was working on that, और मैं ये जेंट्स का जो नाप है ये लेके जाना भूल गई थी, सो आई केम होम ये कलेक्ट करके अभी मैं जा रही हूँ वापस। चाची अब हो रहे हैं 8:30, ठीक है 8:30 बजे मैं वापस जा रही हूँ और देखते हैं कि अब हमारा जो है ड्रेस वो स्टिच हुआ है या नहीं। ठीक है, ये दिखाएंगे ज़रा, ये वहाँ से क्लियर भी कराने हैं काउंटर से या बस? ठीक है मैं देख लूँ ना, ताकि अगर कुछ ऑल्टर करना हो। ये फ्रंट की स्लिप दिखाएंगे ऊपर, ये ऊपर ना। ठीक है आपने नीचे पकड़ लगाया था? नहीं ऐसे ही था, ऐसे ही था वो, ऐसे ही था मतलब ये। ठीक है बाजू दिखाओ। ठीक है और इसकी पैंचो दिखाएं, पैंचो में नहीं लगाई पाइप पे? पैंचो पे नहीं, क्यों बच्ची नहीं? नहीं बच्ची की बात नहीं, जिसमें जो है नीचे वो चोट पड़ जाती है ना, ले लेना ना, ले लेंगे। चलें ये मुझे दे दें। अच्छा ये है जेंट्स वाला नाप राइट, ये मैं 2 दिन बाद जो है कॉल करके पूछूंगी कि ये कब स्टिच होगा। ठीक है तो ये आप रखें और ये मुझे दे दें। आपने कहा है ना कि जेंट्स का जो टेलर है वो डिफरेंट है, वो और है, तो इसलिए हम वो सिलाई भी देखेंगे कि वो कैसी है, क्योंकि लेडीज़ की तो हमने ये देख ली है राइट। सो अब ये हम पहन के चेक करेंगे कि कैसा लगता है। सो स्टिचिंग इज़ फाइन एंड यू कैन सी ये पहन के कैसा लग रहा है। सो आप भी रिव्यू करें और मुझे बताएं कि आपको स्टिचिंग कैसी लगी है, आई मीन फ्री स्टिचिंग कैसी लगी है। बाय द वे कभी भी आपको कोई भी फ्री सर्विस दे रहा हो तो प्लीज़ अपना कोई महंगा वाला सूट मत दीजिएगा। फर्स्टली आप एक कैजुअल सूट इसी तरह सिलवा के टेस्टिंग कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने बाकी रेट्स देखे इनके लाइक फॉर्मल स्टिचिंग के वो बहुत अच्छे रेट्स हैं, लाइक इतने में कोई स्टिच करके नहीं देता। सो मैं इनसे कुछ फॉर्मल भी स्टिच करवा के रिव्यू करूँगी लाजमी इंशाल्लाह। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, अभी 14 अगस्त के पटाखे भी बज रहे हैं। आई एम सो ग्लैड दैट वी क्रिएटेड दिस ड्रेस इन जस्ट 1,000 rupees, दैट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी। एंड यस वी आर गोइंग टू हैव सम मोर ड्रेसेस इन दिस फैब्रिक, हम एक लॉन्ग फ्रॉक भी स्टिच कराएंगे और एक कुर्ता भी। सो स्टे कनेक्टेड एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।